हेलो दोस्तों, न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने पेट्रा द लॉस्ट सिटी के बारे में जाना था। इसी सीरीज में आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मेक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक चिचेन इत्सा की यात्रा पर। तो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चिचेन इत्सा कैनकन के पश्चिम में 200 किलोमीटर की दूरी पर युकाटन राज्य में स्थित है और यह मेक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इत्सा जातीय समुदाय का नाम है जिसने स्पेनिश विजय से पहले मेक्सिको के उत्तरी प्रायद्वीप पर शासन किया था। चिचेन इत्सा नाम का मतलब होता है कुएं के किनारे। हर साल लगभग 1.2 मिलियन लोग चिचेन इत्सा पर्यटन स्थल की यात्रा करते हैं। चिचेन इत्सा का नाम दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में आता है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो इतिहास के साथ ही विभिन्न डिजाइनों और शैलियों से समृद्ध है। यह पिरामिड संरचना अपने डिजाइन के साथ साथ कैलेंडर निर्माण के लिए भी असाधारण है। इसका सबसे रहस्य साल में दो बार सांप की आकृति बनाए हुए पिरामिड पर एक छाया का गिरना हर किसी को हैरान कर देता है। चिचेन इत्सा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। अगर आप चिचेन इत्सा के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें आपको चिचेन इत्सा का इतिहास और इसके रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। चिचेन इत्सा के इतिहास के बारे में बात करें तो पूर्व कोलंबियाई माया सभ्यता ने चिचेन इत्सा को 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया था। उन्होंने खगोलीय घटना को प्रदर्शित करने वाले इस स्थान को एक वेधशाला के रूप में उपयोग किया। आपको ये बताता चलूं कि यह एक सुपर इम्पोज डेवलपमेंट है जिसमें एक का निर्माण दूसरे पर किया जाता है। इस इमारत के उच्चतम बिंदु से बिना किसी संयम के वनस्पति के ऊपर से आकाश को देखा जा सकता था। चिचेन इत्सा की अधिकांश साइटों से अजीब प्रकार की आवाजें आती है। जब आप यहाँ बॉल कोर्ट के एक छोर पर एक ताली बजाते हैं तो यह कोर्ट के केंद्र में 9 बार तालियों की गूंज होती है। इसके अलावा कुकुलन पिरामिड के सामने ताली बजाने से चिड़िया की चहचहाट से मिलती हुई आवाज उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं चिचेन इत्सा के 30 रोचक तथ्यों के बारे में। फ्रेंड्स, चिचेन इत्सा मेक्सिको के युकाटन राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है और यही युकाटन का आधार है। यह पवित्र स्थल युकाटन प्रायद्वीप के सबसे महान मायन केंद्रों में से एक था। चिचेन इत्सा लगभग 1200 साल पहले माया लोगों के द्वारा बनाया गया बड़ा शहर था जो 4 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। चिचेन इत्सा अपने बड़े पिरामिड मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है और इसका निर्माण पत्थरों से किया गया था। चिचेन इत्सा की खोज 514 एडी में पादरी लकिन चैन द्वारा की गई थी। यहाँ स्थित कुकुलन का पिरामिड माया संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। इस पिरामिड की ऊंचाई 30 मीटर है। सबसे खास बात तो यह है कि चिचेन इत्सा 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक एक तीर्थ स्थान का केंद्र रहा है। चिचेन इत्सा को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसको चिचेन विजो और चिचेन नुओ कहते हैं। चिचेन विजो का निर्माण लगभग 400 एडी में हुआ था। मैनाप के शासक हुनक चील ने 13वीं शताब्दी के समय चिचेन इत्सा पर जीत हासिल की थी। साल 2006 तक पर्यटकों को एल कैस्टिलो पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है और इसमें 9 स्तर है। चिचेन इत्सा की अब तक की सबसे विशाल बोल कोट मेसो अमेरिका खोजी गई थी। बोल कोट 26 फुट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। चिचेन इत्सा ज्यादातर अपनी अजीब आवाजों के लिए जानी जाती है। कासा कोलोराडो इसकी सबसे अच्छी इमारतों में से एक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री चिचेन इत्सा की मरम्मत करता है। इसके हर मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं जो साल के हर एक दिन का प्रतिनिधित्व करती है। साल 1923 में पहली बार चिचेन इत्सा की परियोजना शुरू हुई थी और इसको मेक्सिकन सरकार द्वारा कमीशन किया गया था, लेकिन बहाली का काम अमेरिकी आधारित संगठन कार्नेगी इंस्टीट्यूशन द्वारा पूरे किए गए। आज भी इसके मध्य और उत्तरी समूह के कुछ हिस्सों की मरम्मत चल रही है, इसलिए यह पर्यटकों के लिए खुले नहीं है। चिचेन इत्सा दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल है। महान बोल कोट का निर्माण 1050 और 1200 सीई के बीच किया गया था। सीनोट सेग्रेडो 60 मीटर व्यास के साथ चिचेन इत्सा में सबसे बड़ा सिंक होल है। चिचेन इत्सा में एक चर्च को ला इग्लेशिया के नाम से जाना जाता है और इसको पत्थरों से बनाया गया है। यह ज्यामितीय आकृतियों और रेन गोड चा की छवियों से सुसज्जित है। हाल ही में यहाँ के खंडहर और पिरामिड सरकार द्वारा यहाँ के निजी मालिक से खरीदे गए हैं। यहाँ पर अवरोही भगवान का मंदिर तुलुम के केंद्र में स्थित है। इस मंदिर में पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। तुलुम के माया खंडहर के अंदर एल कैस्टिल
किलो सबसे लंबा निर्माण है। नोहच मुल का अनुवाद बड़ी पहाड़ी के रूप में किया गया था जो करीब 42 मीटर ऊंची है और यह एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जहां पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। फ्रेंड्स, तो ये थी चिचेन इत्सा के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो इसे न्यू सेवन वंडर्स में शामिल करता है। वीडियो में शेयर की गई जानकारी अगर आप अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो से रिलेटेड जो भी सजेशंस आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।